रॉकी की बचपन की कहानी क्या कर देगी लोगों की आंखें नम? फिल्म में मसीहा किस तरह बना रॉकी? क्या संजय दत्त है फिल्म में ओपोनेंट के लिए एक सूटेबल मैच? दोस्तों, दुनिया के सात अजूबे से तो आप सभी वाकिफ होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि इन अजूबों में शामिल होने जा रहा है एक और नाम, जो कि इस बार किसी कंट्री या किसी प्लेस पर नहीं बल्कि हमारे आसपास ही सिनेमा घरों में हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, प्रशांत नील की एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म सीरीज KGF ना ही सिर्फ स्टोरी लाइन में नंबर वन है बल्कि सिनेमाटोग्राफी में तो एकदम टॉप नोच है, जिसका सीक्वल KGF 2 जल्द ही रिलीज भी कर दिया जाएगा। ऐसे में इसको आठवां अजूबा कहना क्या सही नहीं होगा? आइए जानते हैं KGF सीरीज की अपकमिंग फिल्म से जुड़े कुछ पहलू, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि इस फिल्म की थीम और इसके स्टाइल पर क्या काम हुआ है। इस फिल्म में फुल ऑन वायलेंस है, लेकिन फिल्म अपने लुक और गेटअप के कारण लोगों से बहुत ज्यादा रिलेट करती नजर आएगी। यश एक बहुत ही डैशिंग अवतार में देखे जाएंगे, हालांकि वो इसके पिछले पार्ट में भी काफी स्टाइलिश लग रहे थे। और साथ ही साथ फिल्म में लव एंगल भी इस बार काफी अच्छी स्केल पर देखने को मिल सकता है। फिल्म में अगर मारकाट होते हुए धूल भी उड़ती है तो लोग उसे भी खुद का एक कनेक्शन बिल्ड करते हुए देख जाते हैं, और शायद इसीलिए इस फिल्म के पिछले पार्ट को लोगों से इतना प्यार मिला है। फिल्म की कास्ट के चुनाव की बात करें तो यश और संजय दत्त इस फिल्म में एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आएंगे, जिसमें यश की पर्सनैलिटी रियल लाइफ में जितनी स्ट्रांग और पावरफुल है, इस फिल्म में उससे भी ज्यादा हाइप्नोटिक शो की जाएगी। ऐसे में बॉलीवुड के एक्सप्रेशन स्टार संजय दत्त को इस फिल्म में एक एंटी पार्टी अवतार के लिए परफेक्ट मैच है, क्योंकि इनकी झलक में ही खून की मांग साफ नजर आती है। हमें नहीं लगता कि इस फिल्म के लिए इनसे बेहतर कास्ट कोई हो सकती थी। साथ ही फिल्म में बस्ती लुक और लोगों की लाचारी को बहुत ही बारीकी से और काफी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया है, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक के लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए शरीर की हिम्मत से ज्यादा काम करते हुए हम स्क्रीन पर देख भी चुके हैं। इसी बेबसी और अत्याचार का विरोध करते इन सभी के मसीहा के रूप में आएंगे रॉक किंग यश। फिल्म में नजर, क्योंकि पिछले पार्ट में यश इन सभी के बीच रहकर इनके अपर हुए जुल्मों को काफी पास से देखकर महसूस कर चुके हैं। साथ ही साथ इस सीक्वल में हमें यश के बचपन से जुड़ी काफी इमोशनल साइड भी देखने को मिलेगी, जिसमें यश की माँ सिंगल पेरेंट होने के कारण किस किस तरह की स्ट्रगल दो वक्त की रोटी पाने के लिए करती थी, वो सब इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा। फिल्म के टीजर से ही लोग इस चैप्टर को सुपरहिट होने का टैग दे चुके हैं। अब बस ये देखना है कि ये फिल्म अगस्त तक या उसके एंड तक रिलीज होती है या फिर सितंबर बिगनिंग तक। आपको क्या लगता है कब होगी इसकी रिलीज, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।